जिनकी अर्जी नहीं लग पा रही, घर में बीमारी है, रोग है, संकट है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयाँ अनवरत चल रही हैं, बहुत औषधि करवा ली, बहुत दवाई करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखवा लिया, शरीर में पीड़ा है, वो सुन लो, पर्चा बने या ना बने, हमारा झाड़ा लगे या ना लगे, सुनो ध्यान से। धाम पर पहुंच जाओ तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहे तो आप अपने घर पर तब तक एक लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध के पूजा मंदिर में रख लें, लेकिन बहुत जल्दी धाम पर जाना जरूरी होगा उसे बांधने के लिए। इसके बाद प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई को नोट कर लें। चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करें और गंगा जल की कटोरी सामने रख लें और उसमें 3 बार फूंक लगाकर रोगी को, बीमार व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ कर दें। धीरे 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 सने सने रोगी को आराम लगने लगेगा, ये आशीर्वाद है। लेकिन मंगल की पेशी करना अनिवार्य है, महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार धाम की पेशी करना अनिवार्य है, ये उपाय। दूसरा उपाय, कार्य में बाधा है, अर्जी नहीं लग पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, आसपास लोगों को दिक्कत है, आपको लाभ मिल गया तो लोगों को बताना है, घर पर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें आपके रोक लग रही है, नौकरी की सफलता नहीं मिल रही, मन अशांत है, उपाय सुनिए। धाम पर, अथवा धाम पर नहीं तो घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, अर्जी लगा लें, 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है, सिद्ध अभिमंत्र चौपाई है, नोट करिए, किष्कंधा कांड की चौपाई है, सबको आती है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार प्रतिदिन पाठ करें और 21 पेशी बागेश्वर धाम की करें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम आपको गद्दी से कहते हैं आपके काम सफल होने लगेंगे।